प्रचार भर में चल रही नरेगा योजना में महिलाओं को नालों में उतारकर सफाई करवाने को लेकर पार्षद कुलदीप बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों नरेगा महिला मजदूरों ने नगर परिषद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दरमियान नगर परिषद पहुंचे पार्षद पिंकी कुमावत ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। घटनाक्रम में महिलाओं के आक्रोश को बढ़ता देख नगर परिषद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और मौके पर सिटी थाना पुलिस को बुलाना पड़ा। इस दौरान भाजपा पार्षद अनिल भोजक, मंगल सिंह मोनू, सुरेंद्र सोनी, अनिल चौधरी, हंसराज शर्मा, मुनि देवी गहलोत, गोपाल सिंह रावत, ललिता सिंह गाड़े तथा तिलोक शर्मा आदि भी नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान उपस्थित सभी पार्षदों ने इस बाबत परिषद प्रशासन से बातचीत कर समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस पर सभी महिलाएं अपने घर चली गई। इसके बाद सभी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त गुरुदीप सिंह, जयन तथा एएन के साथ वार्ता कर महिला नरेगा मजदूरों की पीड़ा से अवगत कराया। वार्ता के दौरान पार्षदों ने बताया कि नालों की सफाई के दौरान महिला मजदूरों के पास कोई सेफ्टी औजार नहीं होते हैं, अतः इन महिलाओं से इस प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं करवाए। वार्ता के दौरान आयुक्त गुरुदीप सिंह ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि महिलाओं को साफ सफाई के कार्य में ही नियोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पार्षदों से नरेगा में होने वाले अन्य कार्यों के भी सुझाव मांगे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। उधर इस मामले को लेकर पार्षद पिंकी कुमावत ने परिषद के जयन अंजुमन अंसारी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही नगर परिषद में पुलिस को बुलाने पर भी पार्षद पिंकी कुमावत ने आक्रोश जताया। दो दिन से ये जो नरेगा टीम लगी हुई है वहाँ पे जो सफाई करवा रहे हैं, सफाई से कोई नाराज नहीं है, ना कोई ब्यावर नाराज है, ना नरेगा नाराज है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कह रहे थे, एक छोटा सा नाला है जो महिलाएं नाले में उतर के सफाई कर रही है, जो बेहद तक गलत तरीके से होती है। मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं, जो सरकार ने 20 नियम दिए हैं, 20 नियम में से अगर दो नियम नहीं करके उनको अगर 5-4 अलग से और कोई काम करवाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। महिलाओं के जैसे ही काम है नाले का, नाले को छोड़ के और कोई काम करवा लें उसके अनुसार। जैसे हमने आज कमिश्नर साहब से बात करने को कहा, उनको बुलवाया, वो लंच पे गए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, पहले से प्रशासन को फ़ोन करके कहा गया कि राजकार्य में बाधा डाली, इनको सबको अरेस्ट किया जाए। कौन सा प्रशासन आया? प्रशासन ही सिटी थाने से आए थे तो करीब 8-10 पुलिस आई थी और सभी को हमारे पे दबाव डाला गया कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे को अभी राजकार्य में बाधा डालने के उसमें तुम्हारे को थाने भेज दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन यही था, एक महिला होने के नाते हमने जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांगी थी, तो क्या कमिश्नर साहब को गलत लगता है और कोई दूसरा काम इनको बता देंगे? मेरे क्या चल रही है उसके लिए हमें कोई शिकायत मिली कि कोई महिलाओं को नाले में उतारा, नाला साफ करने के लिए, कोई छोटा ही नाला था, बड़ा नहीं था, लेकिन महिला थी उसके उसके लिए पार्षद ने विरोध दर्ज कराया आयुक्त साहब को, और नियम में तो लिखा हुआ, राज्य सरकार के आदेशों में तो लिखा हुआ, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि महिलाओं को छोड़ के और किसी काम में लेवे, महिलाओं को नाले के अंदर सफाई के लिए उतारे, अन्य किसी काम के लिए। तो आयुक्त साहब ने महसूस किया है कि इस चीज़ के लिए आदेश दिया। तो पुलिस को क्यों बुलाई गई इस दौरान? वो एक्चुअली महिला बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी और वो उनको लगा कि आज हमारा कोई ज्ञापन है, चक्कर के बाद में जब उन महिलाओं को समझाया कि हम तुम्हारी बात ही कर रहे हैं और हम तुम्हारे लिए आए हैं, तो उसके बाद हमारी बात मान के सारी महिलाएं वापस अपने घर पर लौट गई। नरेगा के जो नॉर्म्स हैं, शर्तें हैं, उसी के अनुसार हम लोगों से कार्य कराते हैं, और फिर भी वो थोड़ा सा ये लग रहा है कि भी हम लेडीज जो है वो नाले का कार्य नहीं कर पा रही है, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इनकी भी बात को रखेंगे। और ऐसा और कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है कि भी कोई किसी के साथ, पार्षद के साथ या कोई नरेगा कर्मिकों के साथ या श्रमिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, और थोड़ा सा आपस में तालमेल की कमी थी, वो सभी का नरेगा कर्मी और स्टाफ और पार्षदों के बीच में बैठ करके। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आँखों की जाँच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मोरे आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, अजगर बाबा थान के पास, सेंद्रा रोड, ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास, गणेशपुरा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।